हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और यह वीडियो स्पोर्ट्स के ऊपर है, जिसके अंतर्गत हम गोल्फ़ की शब्दावली पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स में शब्दावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्पोर्ट के अंतर्गत यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको सभी लोग कठिन मानते हैं, मगर इसको यदि ठीक ढंग से पढ़ा जाए और ठीक ढंग से समझा जाए तो ये एक बहुत कठिन चैप्टर नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज इस वीडियो को। इस खेल में एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम बॉल को हिट करते हुए होल तक ले जाते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, तो वो इसमें है, वो इंस्ट्रूमेंट ये है और इसे हम क्या कहते हैं, क्लब। इसको हम बोलते हैं क्लब, राइट। अब ये क्लब जो होता है, इसके द्वारा हम बॉल को हिट करते हुए होल तक ले जाते हैं। अब इसमें जो बॉल होती है वह छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी बॉल नहीं होती है, बहुत ही छोटी बॉल होती है। ये तो हो गया गोल्फ क्लब के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं गोल्फ की बॉल के बारे में। तो गोल्फ की बॉल जो है वो बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, और उसका वजन 45.9 ग्राम या हम ये कह सकते हैं कि 46 ग्राम होता है अप्रॉक्सीमेटली। और इसका डायमीटर 4.27 सेंटीमीटर होता है, इसका व्यास 4.27 सेंटीमीटर होता है। और ये जिस पे रखी होती है, मतलब इसको जिस पे जिसके ऊपर रख के हिट किया जाता है, उसको टी बोलते हैं। ये जो रेड कलर की दिख रही है जो पिक्चर में, इसी को टी बोलते हैं। इसको क्या करते हैं कि मैदान में गड़ा देते हैं और उसके ऊपर इस बॉल को रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, टी को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हम ग्राउंड पे रख के बॉल को ज़्यादा दूर तक नहीं मार सकते, और ये गेम ऐसा है इसमें ज़्यादा दूर तक हिट करना पड़ता है, राइट। तो ज़्यादा दूर तक और हवा में बॉल दूर तक जाए, इसके लिए इस टी का यूज किया जाता है। तो टी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है इस गेम में। हम बात कर लेते हैं होल के बारे में। तो यह 4 इंच का होल होता है। जैसे ही इसमें बॉल जाती है तो जो गेम है वो एंड हो जाता है, और जिस खिलाड़ी के ज़्यादा पॉइंट रहते हैं वो खिलाड़ी जीत जाता है, राइट। तो अब वो पॉइंट सिस्टम है वो हम अभी बांगे देख लेंगे वो किस टाइप का रहता है। तो होल ये 4 इंच का रहता है, और इसमें जैसे ही बॉल जाती है और गेम एंड हो जाता है। मतलब इस गेम में क्या रहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके होल तक ही गेम चलता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसके मैदान के बारे में। इसके मैदान में क्या क्या होता है, ये मैदान किस टाइप का दिखता है। एक्चुअली ये मैदान का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप का हो सकता है, राइट। और ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये तय होता है कि उसके पार के पार एक सिस्टम पार होता है, पार में तय होता है कि कितने पार का होना चाहिए। एक्चुअली पार के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा आपके कि पार क्या होता है। तो इस मैदान में क्या होता है, एक टी बॉक्स होता है जहाँ से गेम की शुरुआत होती है, राइट। तो ये टी बॉक्स क्या होता है, ये है वो टी बॉक्स। अब इस टी बॉक्स में हम क्या करते हैं, बॉल को रखते हैं। बॉल को कहाँ रखते हैं, टी के ऊपर रखते हैं बॉल को, राइट। तो टी के ऊपर बॉल को रखते हैं और वहाँ से बॉल को हिट किया जाता है, और बॉल को हिट करके होल तक लाया जाता है, राइट। तो बॉल को हिट करते हुए होल तक लाया जाता है। तो हम उसमें टी बॉक्स में टी को गड़ाते हैं, इसलिए इसको टी बॉक्स बोलते हैं। वहाँ वहीं तो टी को गड़ाते हैं हम, शुरुआत वहीं से होती है, राइट। इसलिए इसको टी बॉक्स बोला जाता है। और टी के बारे में तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि टी किसे कहते हैं, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वाटर होता है, वाटर हजार्ड होता है। वाटर हजार्ड क्या होता है कि कुछ जगह पे पानी पड़ा रहता है जिसके अंदर यदि बॉल चली जाए तो फिर बॉल को हिट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर बॉल को फिर से शुरुआत करनी पड़ती, बाहर निकाल के फिर से टी गड़ा के उसको फिर से हिट करने की शुरुआत करी जाती, राइट। तो ये वाटर हजार्ड हो जाता। फिर एक क्या होता है, बंकर होता है। बंकर क्या होता है, एक गड्ढा टाइप का होता है, उसके अंदर सैंड भरी होती है बेसिकली, राइट। तो उसमें सैंड भरी होती है, उसके अंदर यदि बॉल चली जाती तो बॉल जब हिट करते हैं तो वो इतने अच्छे से बॉल हिट नहीं होती, राइट। तो ये भी एक हजार्ड होता है, राइट। बंकर भी एक हजार्ड होता है, ठीक है। और एक हजार्ड होता है ये इनको भी हजार्ड बोलते हैं, ये जो ट्रीज होते हैं, जो रफ होता है यहाँ पे, बेसिकली इसको रफ भी बोलते हैं। यहाँ पे भी बॉल चली जाती तो बॉल बड़ी मुश्किल से निकलती है बाहर, राइट। तो ये जो है, तो हमने बहुत टी बॉक्स की कर ली, वाटर हजार्ड की कर ली, बंकर की कर ली, राइट। और
रफ की कर ली, रफ की बात भी हमने कर ली, ये रफ होता है राइट। अब हम बात करते हैं फेयर वे क्या होता है। फेयर वे क्या होता है कि वो जगह जहाँ पे बॉल आसानी से हिट करते हुए लाए, तो ये फेयर वे होता है राइट। ये जो दिख रहा है ये जो जहाँ पर ग्रास नहीं है, तो ये होता है क्या फेयर वे, इसको हम बोलते हैं फेयर वे, ये फेयर वे है, ये फेयर वे है राइट। यहाँ पे बिल्कुल इजीली बॉल हिट करते हुए लाई जा सकती है। यहाँ पे ग्रास जो होती है वो छोटी छोटी होती है, तो यहाँ पे इजीली बॉल को हिट करते हुए होल तक लाया जा सकता है राइट। अब हम बात करते हैं पुटिंग द ग्रीन की। ये पुटिंग द ग्रीन क्या होता है राइट। अब पुटिंग द ग्रीन क्या होता है, ये एक एक सर्कल टाइप का ये जो एरिया होता है जो होल के आसपास होता है, यहाँ पे जो ग्रास होती है, जो घास होती है वो बहुत छोटी होती है, तो और इसका जो स्लोप होता है वो बिल्कुल होल तरफ होता है, तो वो उतने एरिया को हम पुटिंग द ग्रीन बोलते हैं राइट। कि वहाँ पे यदि हम बॉल को पुट कर दें तो वो बॉल जो है वो होल के पास जाने की कोशिश करती है। आपने वीडियोस में देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप एक बार वीडियो इसका देखना गोल्फ का, एट द लास्ट मोमेंट मोमेंट जब पुटिंग द ग्रीन में बॉल पहुंचती है, तो देखना कि वो स्लोप बना होता है, बॉल होल की तरफ ही बढ़ती है राइट। तो और ये होता है होल, ये जो दिख रहा है छोटा सा ये होता है होल, और ये होता है फ्लैग राइट, इसी को हम बोलते हैं फ्लैग स्टिक। तो ये होगा इसके ग्राउंड के बारे में। अब हम एक ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या है इसकी राइट। तो देखिए ये एक उसके जैसा है, ग्राउंड के जैसा है, मतलब बगीचे टाइप का ही मैं ये बोल सकता हूँ। तो एक बगीचे टाइप का, इसमें पेड़ भी हैं और ये हरा भरा है राइट, ग्रीन है ये राइट। तो पुटिंग द ग्रीन होगा राइट, क्या होगा पुटिंग द ग्रीन, तो ग्रीन वर्ड तो होगा इसमें ठीक है, शब्दावली ग्रीन होगी, टर्मिनोलॉजी ग्रीन तो होगी जरूर ठीक है। अब इसमें ग्रीन है, हरा भरा तो वहाँ पानी भी रहता है, तो वाटर हजार्ड तो होगा ही होगा राइट। अब क्या होगा कि एक चीज और होगी यहाँ पे, क्या होगी, अब यहाँ पे पेड़ है, तो पेड़ है तो यहाँ पे बर्ड्स भी होंगे, बर्ड्स भी आते होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है इस खेल में एक एक शब्दावली, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, ईगल, क्या बोलते हैं ईगल। तो इसमें ईगल भी, आगे मैं बताऊंगा ईगल के बारे में, तो अभी आप ये याद करके रख लो कि ईगल भाई सीधी सी बात है कि पेड़ है, हरियाली है, तो वहाँ बर्ड्स भी होंगे, वहाँ पक्षी भी होंगे, तो वहाँ ईगल भी होगा राइट। तो ईगल, ईगल एक पक्षी है, और वो ये याद रखो कि वो पेड़ पे बैठता है ठीक। तो ये इसकी एक ट्रिक हो गई ईगल याद करने की राइट है ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, तो ठीक है अब ये बताइए कि ये एक बगीचा हो गया राइट, तो बगीचे में टी भी होती है, टी चाय उगती है ना बगीचे में, इसलिए आप टी को भी याद कर सकते हो उस बगीचे के लिंक करके टी को, तो टी से टी वर्ड जितने भी आएंगे वो इसी में आएंगे राइट है। और हमने वाटर की, वाटर हजार्ड की बात कर ली, हमने ग्रीन की बात कर ली, और हमने ईगल की बात कर ली राइट है। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या शब्दावली होती है। इससे पहले एक और हम देख लेते हैं पिक्चर ग्राउंड की, ये देखिए आप, ये होती है ग्राउंड की पिक्चर, एक और देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए ये यहाँ पे दिया गया है क्या, ये टी बॉक्स है, तो यहाँ टी बॉक्स से ये होल तरफ ले जाती है, थोड़ा उस पिछले उससे उल्टा है, तो यहाँ से शुरुआत होगी गेम की और यहाँ पे गेम की एंडिंग होगी जी ठीक है। अभी देखो इसमें क्या, अभी इसमें क्या लिखा, पार 4 लिखा था, पार के बारे में भी बताऊंगा, ये 380 यार्ड का है राइट। और ये देखिए इसमें वाटर हजार्ड भी है ठीक है, बंकर भी है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं राइट ठीक है। तो ये हो गया पूरी फील्ड के बारे में इसकी, मतलब ग्राउंड के बारे में इसका। तो हम अब सारी शब्दावलियों को एक साथ देख लेते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है सारी उनको एक साथ देख लेते हैं। तो ये है वो शब्दावली, बहुत सारी शब्दावली तो हम अभी कर चुके हैं क्लियर, उसके मैदान को देख के, उसके ग्राउंड को देख के राइट। तो बहुत सारी शब्दावली हमने ग्रीन से रिलेटेड कर ली है, तो अब हम जो बची हुई शब्दावली है वो हम शब्दावली डिटेल में करेंगे, और आप वीडियो पॉज करके इन सारी शब्दावली को लिख लेना, नोट्स बना लेना राइट। अब हम देखते हैं कि पहली क्या है, कैडी। तो कैडी क्या होता है, तो बेसिकली कैडी एक हम ये मानते हैं कि एक ऐसा असिस्टेंट टाइप का होता है,
खिलाड़ी का जो बैग पकड़ के रखता है, गोल्फ क्लब रखता है, राइट? क्योंकि गोल्फ क्लब बहुत सारे यूज होते हैं, कोई भी टाइप का गोल्फ क्लब, किसी भी मैदान, अलग अलग टाइप के गोल्फ क्लब अलग अलग मैदान में वहाँ की कंडीशन के हिसाब से यूज होते हैं। 14 प्रकार के गोल्फ क्लब यूज होते हैं, राइट? तो कैडी क्या होता है, एक असिस्टेंट टाइप का होता है जो बैग पकड़े रहता है गोल्फ क्लब का, राइट? ये जो एरो में जो शो हो रहा है प्लेयर के बाजू में, राइट, इसी को हम कैडी बोलते हैं। अब एस क्या होता है, एस क्या होता है कि एक बॉल को डायरेक्टली हिट करके सीधा एक ही बार में हम गोल में डाल दें, तो ये एस होता है। ये बहुत ही कम, रेयरली होता है, राइट? ऐसा ये समझ लीजिए पॉसिबिलिटीज की बहुत ही कम रहती, जो बहुत ही माहिर खिलाड़ी रहते हैं वो ही इस शॉट को खेल पाते हैं, राइट? तो ये एस होता है जो कि इस सीधा हिट करके हम होल में डालते हैं, उसको हम एस बोलते हैं। अब हम बची हुई बाकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहली है क्या, इस पेज में पहली है बैक स्पिन। देखिए स्पिन और स्विंग जो है वो तो बॉल के जितनी भी बॉल है सभी में होता ही होता है, राइट? लेकिन इसमें होती है बैक, ये छोटी जो बॉल होती है जिनमें, उसमें बैक स्पिन तो होती है, राइट? ये बैक स्पिन इसमें भी है, और ये बैक स्पिन टेबल टेनिस में भी होती है, राइट? उसमें भी टेबल टेनिस की बॉल भी बहुत छोटी रहती है। टेबल टेनिस के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। तो बैक स्पिन होती है, बैक स्विंग होती है। बेसिकली बैक स्विंग होती क्या है, राइट? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बैक स्विंग क्या होती है। बैक स्विंग क्या होती है, जैसे हमने एक बॉल को हिट किया, राइट, बॉल को हिट किया, अब जो हवा है वो उसके उल्टी डायरेक्शन में चल रही, तो जो हम बॉल को हिट कर रहे हैं तो वो बॉल जहाँ जाना नहीं चाहिए था उससे पहले गिर जाती, डिप कर जाती है, ये मान लो, तो वो स्विंग की वजह से डिप कर जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैक स्विंग बोलते हैं, राइट? इसे हम बैक स्विंग बोलते हैं, ठीक। अब क्लब के बारे में, अब क्लब के बारे में क्या है, क्लब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम गोल्फ बॉल को हिट करते हैं, राइट? यह है बेसिकली 14 प्रकार का होता है। तो और क्लब को तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसमें क्या है, स्टाइमी। अब स्टाइमी एक टाइप का ऐसा चीज होती है, एक ऐसा कहना चाहिए शॉट होता है जिसमें सामने जो हमारे प्लेयर है उसको हम ब्लॉक करते हैं। अब ये ब्लॉक कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ आपको कि ब्लॉक कैसे करते हैं खिलाड़ी एक दूसरे को। देखो जैसे कि एक खिलाड़ी ने बॉल को यहाँ से हिट किया, राइट? अब ये होल है मान, राइट? अब यहाँ बॉल यहाँ पे आई, राइट, है ना? अब दूसरा खिलाड़ी क्या करेगा, मान लो दूसरा खिलाड़ी है और उसने बॉल को हिट किया, और बॉल, ये बॉल और जो पहले खिलाड़ी ने जो हिट करी थी उसके और उसके बीच में आ जाए बॉल, राइट, रास्ते में, ठीक है? अब ये बॉल जो है वो होल में जाएगी नहीं, जो पहले खिलाड़ी ने जो हिट करी थी, जो बॉल पहले खिलाड़ी की है वो तो होल में जाएगी नहीं, क्योंकि दोनों होल के बीच में जो दूसरे खिलाड़ी ने बॉल हिट करी है वो आ गई है, तो मतलब उसने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो इसी को हम स्टाइमी बोलते हैं, राइट? अब आता है वेज। अब वेज को आप तो याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे तो वेज जो होता है वो एक टाइप का गोल्फ क्लब होता है जो कि छोटी दूरी को तय करने के लिए होता है, बॉल को जैसे ज्यादा दूर हमें नहीं मारना है तो हम वेज का इस्तेमाल करें। तो एक टाइप का क्या होता है, गोल्फ क्लब होता है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये होता है एक ये होता है एक ये होता है एक क्लब होता है, राइट? और ये आयरन, ये भी एक क्लब होता है, ये भी एक क्लब होता है, क्लब का एक प्रकार होता है। ये बहुत बड़े शॉट के लिए होता है, आयरन का बना होता है, बहुत हैवी होता है, तो इसके द्वारा भी बॉल को हिट किया जाता है। अब हैंडीकैप क्या होता है, हैंडीकैप जो होता है पोटेंशियल मेजरमेंट ऑफ अ गोल्फ प्लेयर, राइट? मतलब जो गोल्फ प्लेयर है वो कितना, उसका पोटेंशियल क्या है, राइट, अकॉर्डिंग टू गेम, मतलब गोल्फ में उसका क्या पोटेंशियल है, उसको मेजर, उसका यदि हम मेजरमेंट देखें तो उसका मेजरमेंट जो है वो हैंडीकैप कहलाता है, राइट? अब लाई क्या होता है, लाई मतलब बॉल का लाई कर जाना, ठीक है, ग्राउंड में, भाई अब किसी बॉल को हिट किया तो वो कहाँ लाई कर रही, उसको लाई बोलते हैं, मतलब रेस्टिंग पोजिशन ऑफ बॉल, कि लाई मतलब ये होता है कि बॉल को हिट किया वो कहाँ जाके रुकी, तो जो वहां जाके रुकी उसको हम लाई बोलते हैं, राइट? अब मार्कर क्या होता है कि बॉल को मार्क करते हैं कि हमने बॉल यहाँ से हिट करी थी,
और वो वहां तक गई, तो जहां से बॉल हिट करी और जहां तक गई उसको मार्क करते हैं, तो उसका जो यूज करते हैं उसको मार्कर कहते हैं। अब लिंक्स क्या होता है, लिंक्स एक टाइप का मैदान होता है, गोल्फ क्लब का गोल्फ कोर्स जिसको बोलते हैं। और मैदान गोल्फ कोर्स क्या है, गोल्फ के मैदान को गोल्फ कोर्स बोला जाता है, और जो ओल्ड टाइप का होता है जो पुराने क्लासिक मैदान उनको लिंक्स बोलते हैं। और हमारे इंडिया में कलकत्ता में भी है लिंक्स, राइट। तो ये हो गए कुछ शब्दावली के बारे में। अब कुछ शॉट्स और कुछ स्कोर के बारे में हम जान लेते हैं कि स्कोर क्या होता है, शॉट्स क्या होते हैं, किस टाइप के शॉट होते हैं। तो सबसे पहला क्या, बोगी। अब बोगी क्या होता है, ये एक गोल्फ का स्कोरिंग सिस्टम होता है। बेसिकली है ओल्ड स्कोरिंग सिस्टम, मतलब पुराने टाइम से चला आ रहा है ये स्कोरिंग सिस्टम, इसको हम बोगी बोलते हैं। अब पार क्या होता है, पार क्या होता है, एक गोल्फ स्कोरिंग का फॉर्मेट होता है। तो पार क्या होता है कि पार ये तय करता है कि यही कितने पार है। पार को हम हिंदी में पारी, भाई कितनी पारी में गोल्फ को अपन को गोल्फ बॉल को हिट करते हुए होल तक ले जाना है। तो एक तय होता है कि भाई जैसे कि 5 पार है, तो हम 5 स्ट्रोक में, कम से कम 5 स्ट्रोक में हमको होल में होल तक ले जाना है, राइट। तो ये पार होता है, ठीक। अब ईगल क्या होता है, तो ईगल होता है कि जब कोई गोल्फर 3 स्ट्रोक में ही, 3 स्ट्रोक एक पार में, 3 स्ट्रोक में ही पूरा गेम क्लियर कर देता है, राइट। जैसे कि 5 पार है, 5 पार मतलब 5 स्ट्रोक में पहुंचाना है बॉल को, लेकिन प्लेयर क्या करे कि 3 स्ट्रोक में ही खत्म कर दे गेम को, मतलब टी से लेके टी बॉक्स से लेके होल तक वो 3 स्ट्रोक में ही खत्म कर दे गेम को, तो इसको हम ईगल बोलते हैं, राइट। अब फोरसम क्या होता है, फोरसम सीधी सी बात है, यदि 4 प्लेयर खेल रहे हैं ग्राउंड में तो हम फोरसम कहते हैं। तो इसमें दो दो प्लेयर की टीम होती है, तो वो दोनों खेलती है, 2 प्लेयर वर्सेस 2 प्लेयर, इसी को हम फोरसम कहते हैं, राइट। अब फ्लॉप शॉट क्या होता है, फ्लॉप शॉट क्या होता है कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा फ्लॉप शॉट के बारे में, कि जैसे कि ये एक बॉल है, राइट, बॉल है। अब इसको हिट किया, राइट, इसको हिट किया, अब इसको हिट किया तो ये बहुत ऊंची चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे आती तो ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाती, राइट। ये जो दूरी है ये ज्यादा तय नहीं कर पाती है, तो ये जो शॉट हो गया ये फ्लॉप शॉट कहलाता है। कि भाई ताकत तो मतलब पावर बहुत लगा दी हमने, बहुत हाई भी चली गई, लेकिन उसने ज्यादा दूरी तय नहीं करी, ज्यादा उसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाई वो, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे इनके कोर्सेस होते हैं, तो इसलिए इस शॉट को हम फ्लॉप शॉट बोलते हैं, राइट।